बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन सा शख्स होगा जो सबसे आखिर में जहन्नम से निकलेगा और सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा। रावी बयान करने वाले कहते हैं कि वो शख्स जो सबसे आखिर में जहन्नम से निकलेगा, जहन्नम से सिसकते हुए जहन्नम के किनारों तक पहुंच जाएगा, और अल्लाह ताला कहेंगे बाहर निकलाओ मेरे बंदे और जन्नत में दाखिल हो जाओ। अच्छे, वो जहन्नम से निकलेगा और जन्नत के दरवाजे के आगे पहुंच के देखेगा कि जन्नत तो लोगों से भरी पड़ी है। वो लौट के आएगा, कहेगा ऐ मेरे रब, तेरी जन्नत तो भरी पड़ी है, मैं कहाँ जाऊँ? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे, नहीं मेरे बंदे, जन्नत मेरी नहीं भर सकती, तुम जन्नत में चले जाओ। नाचे वो दोबारा जन्नत में जाएगा, लेकिन उसके दरवाजे के अगर पहुंच के देखेगा कि हर तरफ इंसानों का एक भीड़ है। लेकिन दोबारा वो वापस लौट आएगा, अल्लाह से फरमाएगा ऐ मेरे रब, आप रब हो, आप मुझसे मजाक करते हो। अल्लाह फरमाएंगे ऐ मेरे बंदे, नहीं, तो लौट जा और जा, इतना हिस्सा ले ले जन्नत का जितना इस दुनिया में रहते हुए जमीन के बराबर, बल्कि उससे 10 गुना ज्यादा ले ले, अब तू खुश है? वो कहेगा हाँ रब्बुल आलमीन, और वह जाएगा और जन्नत में दाखिल हो जाएगा। रावी बयान करने वाले कहते हैं कि इस हदीस को बयान करते वक्त रसूलुल्लाह भी मुस्करा दिए, ताकि आपके दांत मुबारक जाहिर हो गए। नाज़रीन, ये हमारी अगर आपको कहावत अच्छी लगी, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप एक सब्सक्राइब करना हमारे चैनल की जो रेटिंग है वो 1000 गुना नहीं बल्कि 1 लाख गुना बढ़ा देती है, इसलिए इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में घंटी का जो बटन लगा है उसको ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।